जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन रजिस्टर्ड के तत्वावधान में आज इंदौर के समस्त जैन सोशल ग्रुप का होली मिलन समारोह फाग उत्सव कीमती गार्डन में मनाया गया। हजार से अधिक दंपति की उपस्थिति में संपन्न कार्यक्रम में सर्वप्रथम फेडरेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय ललवानी का स्वागत किया गया। वहीं आष्टा में दीक्षा ले रही वीरागन बहन विजय कुंवर वीरानी का पत्र और शॉल माला देकर अभिवादन किया गया। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय ललवानी, संस्थापक अध्यक्ष विजय मेहता, संरक्षक हंसराज जैन, मनीष सुराना, राजकुमार सुराना, अनिल मेहता एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अक्षय बम, कार्यक्रम के संयोजक किशोर पोरवाल, विमल नाहर, दिलीप भंडारी, शैलेश जैन, सुधीर सेठिया तथा फेडरेशन पदाधिकारी एवं ग्रुप अध्यक्षों ने स्वागत किया। साथ ही श्रीधर झरकर ग्रुप एवं गायिका प्रीति सोनी द्वारा गीत प्रस्तुति ने सबको नृत्य करने पर मजबूर कर दिया। आकर्षक तंबोला पुरस्कार भी कार्यक्रम के दौरान प्रदान किए गए। सभी ग्रुपों के लगभग 100 दंपतियों को लकी ड्रॉ द्वारा पुरस्कृत किया गया। जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप फेडरेशन आज इंदौर के 11 ग्रुपों के साथ सामूहिक मीटिंग के रूप में फाग उत्सव के रूप में मीटिंग मनाया आयोजित करने जा रहा है और आज लगभग 1000 दंपति यहां पर उपस्थित है। यहां पर फाग गीत का कार्यक्रम होगा, उसके पूर्व हमने एक पुण्य का कार्य किया है। मेरी बड़ी बहन विजय कुंवर वीरानी जो कि आगामी 11 मार्च को आष्टा में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करने जा रही है आचार्य मुक्ति रत्न सागर जी के मुखारविंद से, महासचिव पूज्य पद्मलता जी महाराज के सानिध्य में उनका सम्मान करने का सौभाग्य हमारे फेडरेशन परिवार को मिला है। हम बहन के संयम मार्ग की कामना करते हैं कि वे जिस उमंग और उत्साह से इस मार्ग की ओर अग्रसर हो रही है वो मार्ग उनका निष्कंटक बने और वो इस आयु में 76 वर्ष की आयु में, आज़ादी के एक साल पूर्व इनका जन्म हुआ था 23 अगस्त 1946 को, और 76 साल की उम्र में संयम ग्रहण करके पैदल चलना, हाथों से लुंचन करना और घर घर गोचरी जाकर ग्रहण करना अब इनका नित्य नियम बनेगा। वैसे इन्होंने कहीं तपस्याएं की है, सारे तीर्थों का दर्शन किए हैं, 4 बार इन्होंने पालीताना में चातुर्मास किए हैं और पैदल यात्रा भी करके पालीताना की यात्रा पूर्ण की है, शिखर जी की यात्रा पूर्ण की है। अब इनका मार्ग ये निष्कंटक बने यही मंगल कामना मैं भाई के भी नाते और फेडरेशन परिवार के नाते करना चाहता हूँ। जय जी ने संतोष मामा राष्ट्रीय महासचिव भाई, आपके मतलब आप दीक्षा ले रहे हैं, किनके सानिध्य में ले रहे हैं और किनके मार्गदर्शन में ये मतलब अपने को जो भाव आया है आपके वो किस तरीके से आया? मेरे भाव मेरी कीर्ति सुधा जी महाराज साहब ने दीक्षा ली थी जब से मेरे मन में भाव आए थे, पर मैं संसार के अंदर फंस चुकी थी, संसार का कार्य पूरा संभालना था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ने पाई। संसार का कार्य पूरा करते हुए मेरे भाव डिगने नहीं पाए, जब भावना होती गई बेटा भी ने आज्ञा नहीं दी पाई। अब मेरे दीक्षा में पद्मलता श्री जी महाराज के पास ले रही हूँ आष्टा में 11 मार्च को। अब जो आप पूरे परिवार को छोड़ के जाएंगे, इतने समय परिवार के साथ रहे, क्या रहेगा आगे का और किस तरीके से विचार किया आपने? मेरे को कोई ऐसा नहीं है, एक दिन अपन भगवान घर जाएंगे, जब भी सब छोड़ के जाना है तो आज पहले से अपनी पूंजी अपने साथ में ले रहे और अपनी आत्मा का कल्याण करें। संसार का कार्य पूरा कर दिया, अब अपनी आत्मा कल्याण के लिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरे को किसी बात का मोह नहीं है, घर छोड़ने का, परिवार छोड़ने का किसी बात का मोह नहीं है मेरे को। इसमें आपका परिवार का कितना सहयोग है, कितना साथ है? इसी अभी इस समय में पूरा सहयोग है, जिससे भी पूछा सबने कि बहुत अच्छा निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया, किसी ने भी नहीं किया कि तुम इस उम्र में मत लो,
सिर्फ पहली बात मेरे गुन्नी जी के ऊपर, उनका भी कहना एक है कि तुम्हारी भावना उत्कृष्ट है, अगर तुम होगा लेते लेते नाचते नाचते तुम्हारी आयुष पूर्ण हो जाएगी तो मैं समझूंगा कि मैंने एक जीव का उद्धार किया। इसी प्रकार मेरे को वो ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनका उपकार है। आपके परिवार में कौन कौन है? बेटा बहू है, पोता पोती है, दोनों चारों है, बाकी पाँचों भाई बहन पूरा परिवार है मेरा। दो बहन दीक्षित हो चुकी पहले। आपका नाम है? आपका नाम बताओ। विजय कुमार बिरानी। एन स्वतंबर सोशल ग्रुप फेडरेशन रजिस्टर्ड द्वारा आयोजित फाग उत्सव बंपर तबोला आज यहां पर इंदौर के 11 ग्रुपों के साथ संयुक्त मीटिंग के रूप में फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया है। आज यहां पर करीब 1000 परिवार एकत्रित हुए हैं और भाई श्रीधर की फाग उत्सव के गाने उनके चल रहे हैं, गीत संगीत उनका चल रहा है और सब अपनी मस्ती में झूम रहे हैं। यह आयोजन और दीक्षार्थी बहन का हमने यहाँ पर आज बहुमान करा है, जो 76 वर्ष की उम्र में भाई विजय कुमार बहन विजय कुमार जी बिरानी जो 11 मार्च को दीक्षा लेने जा रही है, आज उनका बहुमान करके भी हम धन्य हो गए हैं। ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है कि फेडरेशन को उस दीक्षार्थी बहन का बहुमान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तंबोला के पुरस्कार के आज तंबोला के जो हम पुरस्कार यहाँ वितरित कर रहे हैं, करीब तंबोला के पुरस्कार में 1,00,000 रुपये के पुरस्कार हम यहाँ पे विभिन्न प्रथम द्वितीय तीसरी कॉन्सोलेशन प्राइज और सभी के माध्यम से ग्रुपों को करीब 1,00,000 रुपये के पुरस्कार भी देने जा रहे हैं। मैं विजय ललवानी, जैन स्वतंबर सोशल ग्रुप फेडरेशन रजिस्टर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष।